क्या नाम है आपका? मेरा नाम एलआर आर्य। कहाँ के रहने वाले? ग्वालदम चमोली, उत्तराखंड। चमोली। तो जो भाई साहब, क्या क्या दिक्कत होती थी आपको? मुझे स्टार्टिंग में जो है कि दोनों साइड पेन हो रहा था सर। हाँ। और हाइपरटेंशन की शिकायत थी। अच्छा जी। और क्रिएटिनिन वगैरह काफी बढ़ा हुआ था आपका? स्टार्टिंग में तो कम था, दो था। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे करके पहुँच गए 5 रुपये। अच्छा, बढ़ता चला गया। जी जी जी। अच्छा, तो अब जब आए थे यहाँ पे, आपने शुरू कराया था, तो काफी बढ़ गया था। हाँ, वो समझ था, 9 पे था सर। 9 पे जी। क्या क्या बताया था डॉक्टर ने आपको उत्तराखंड में? डायलिसिस के लिए बताया। सर, उससे पहले तो इन्हें बरेली से भी दवाई खाई थी। अच्छा। हम तो कहने नहीं चाहते हैं कि डॉक्टर साहब ने कह, उन्हें तो अपनी तरफ से पढ़ाई की होगी, मतलब हर कोई ये सोचा मेरा रिजल्ट अच्छा जाए, लेकिन 3 साल कंटिन्यूस दवाई खाने के बाद क्रिएटिन कंट्रोल नहीं हुआ सर। अच्छा। हाँ सर, 3 साल वहाँ पे दवाई खाने के बाद कंट्रोल नहीं हुआ, बढ़ते गया। 2 से मतलब 9 पहुँच गया सर। अच्छा। फिर उसके बाद देहरादून में दिखाया सर इनको, देहरादून में वही कंडीशन रही इनकी, कम नहीं हुआ, बढ़ता ही गया। यूरिया और क्रिएटिन दोनों चीज बढ़ते गए। फिर किसी ने आपका बारे में या टीवी में जैसे शो होता है, उसमें इनने देखा और सिस्टर ने देखा मेरी, फिर उनको लगा कि हाँ थोड़ा वहाँ पे जाकर। जब हम सर फर्स्ट बार यहाँ पे 2 महीने पहले आए थे हम यहाँ पे, तो हमें काफी रिस्पॉन्स मिला जो लोग यहाँ से दवा लेके, एक तो दार्जिलिंग से आए हुए थे। अच्छा। कोई आसाम से आए हुए थे, उसमें उनको देख के हमें लगा कि यार हम भी शायद सही जगह पे आ रहे हैं करेंगे। और अभी सर 2 महीने की दवाई खाई तो अच्छा रिजल्ट मिल रहा है सर, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। 9 था सर, 7 पे आ गया। 7 पे आ गया। अच्छा। 2 महीने के अंदर ही। 2 महीने के यूरिया 100। और इसमें सर प्रेस भी इन्हें मतलब मेरे हिसाब से 80% किया होगा सर, 99% भी नहीं, 90% भी नहीं किया इन्हें, 80% परहेज किया होगा। पूरे तरीके से नहीं हो पाया सर। अगर पूरे तरीके से होता तो शायद 6 में भी आ सकता था, जहाँ तक मुझे आइडिया कि मतलब कम हो सकता था, लेकिन इन्हें परहेज किया नहीं है मेरे हिसाब से ढंग से, जिस चक्कर में कि आ नहीं पाया हो, जो हमारा टारगेट था कि चलो 5-6 पे आ जाए 2 महीने की दवाई भी, अगर 6-7 पे भी आ जाता नीचे, अभी 7.1 है सर, अगर ये प्रेस करते तो शायद 6.9-6.8 ऐसा आता, लेकिन इन्हें प्रेस किया नहीं होगा, इसलिए सर फिर हमें ये लगा कि क्यों नहीं यहाँ से दवाई कंटिन्यू रेगुलर रखा जाए, जिससे कि यूरिया भी था सर जब यहाँ पे आए थे हम 2 महीने पहले। हाँ जी। अभी मेरे हिसाब से 127 ऐसे कुछ सर, अब तो 120 की 120 के रेंज में सर, तो मतलब काफी कंट्रोल है सर, सुधार है, हमें विश्वास है, बाकी चीजें भी काफी सुधार है सर। फिजिकल क्या क्या सुधार है? ठीक है सर, थोड़ा मतलब जान महसूस कर रहे सर। एक तो सर इनका जो मतलब टीचिंग है, वर्किंग प्लेस है, वो सर घर से हाइट में है। अच्छा। हाइट में तो वहाँ पे 6,000 किलोमीटर आप बता रहे थे। हाँ सर, हाइट में है सर। अच्छा, जहाँ पे 6,000 मीटर है, 6,000 फीट समुद्र तल से हाइट है सर, 13,000 फीट पे हाइट है सर समुद्र तल से, जो जहाँ रहते हैं 6,000 है सर। लेकिन जहाँ पे इनका मतलब मकान है, वही उसी मतलब प्लेस में इनका मकान है, तो वहाँ से स्कूल भी जो है कि 0.5 किलोमीटर है हाइट पे, और हाइट पे है। अच्छा। तो उसके घर से और स्कूल 0.5 किलोमीटर जाने में सांसें फूलती थी इनकी चलने में पहले। अच्छा। अभी थोड़ा जब से आपकी दवाई यूज की सर, तब से थोड़ा काफी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, वहाँ पे जाने में भी, पढ़ाने में भी काफी थोड़ा सा इंटरेस्ट हो रहा है सर, ये महसूस हो रहा है सर। टेस्ट कहाँ से कराए आपने? टेस्ट सर तो पहले तो देहरादून से ही कराए सर, और अभी ये देहरादून का ही है सर, ये काफी अच्छी लैब है वहाँ की, अहोजा के नाम से काफी अच्छी लैब वो है सर, बहुत ही फेमस है सर देहरादून के अंदर, और अच्छा रिजल्ट भी है सर इनका देहरादून। तो जो 3 साल में ना हो पाया वो 2 महीने में हो रहा सर। 2 महीने सर, आप 1 महीने में हो गया वैसे। ये देखिए रिपोर्ट्स हैं 17/9/2018 की, डॉक्टर आहूजा पैथ लैब्स की हैं, और एल आर आर्य पेशेंट का नाम है। जब आए थे क्रिएटिनिन 9.0 था, यूरिया 178 था, और यूरिक एसिड 10.2 था। ये रिपोर्ट्स देहरादून से कराए गए, काफ़ी फेमस लैब है ये वहाँ की। और अब इन्होंने एक और लेटेस्ट जो आई कराया है आने से पहले 19/11/2018, इसके अंदर क्रिएटिनिन इनका हो गया 7.19 से, 178 से 127 यूरिया हो गया, और यूरिक एसिड 10.2 से 4.2 हो गया, नॉर्मल हो गया। किस तरीके से सारी वैल्यूज जो हैं वो रिड्यूस हुई हैं, और यूरिक एसिड तो 10.2 से 4.2 हो गया, नॉर्मल की रेंज में आ गया, वो आप क्लियरली रिपोर्ट्स में देख सकते हैं। 3 साल से इनका ट्रीटमेंट चल रहा था कहीं से, और वहाँ से इनका क्रिएटिनिन 2 से लेकर 9 पे आ गया, जी बढ़ते 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 बढ़ते
और अब ये 9 से केवल 2 महीना में 7 पे आ गया है और बहुत अच्छे इनको रिजल्ट्स और चेंजेस आए हैं और ये रिपोर्ट्स के अनुसार और रिपोर्ट्स के आधार पर ही आए हैं। फिजिकली भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं एलआरआई जी को। तो क्या संदेश देना चाहेंगे, जैसे आपको भी लगा आप आए हैं अब आपको सुधार महसूस हुआ है, और जो आपके पेशेंट्स हैं उनको क्या संदेश है? हम उनको भी एडवाइस देंगे सर की बिल्कुल आइए आप, बिल्कुल वेलकम आपका सर के पास वहाँ पे जो है कर्मा आयुर्वेद दिल्ली में बहुत, और आने के लिए भी सर यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई तंगी नहीं है कहीं से भी आने वाले के लिए। एक तो सर रेलवे स्टेशन से और मेट्रो से आसान आ जाता है यहाँ पे आदमी, कोई दिक्कत अगर जो दिल्ली का ही जो जानकार रखता हो उसके लिए तो और भी इजी आने के लिए। हम तो दिल्ली में महीने में साल में एक आधा बार ही आते क्योंकि वर्किंग प्लेस हमारे देहरादून या गढ़वाल में ही होता है, तो जो दूर से आने वाले हैं उनके या जो हमारे जानने वाले हैं तो उनको यही बोलेंगे भाई वहाँ पे जाओ तो अच्छा ही है रिजल्ट इसका, हमें तो फायदा मिला है बाकी ऊपर वाले के हाथ पैसा काफ़ी फायदा मिला है सर, हमें तो आपकी दवा से काफ़ी फायदा मिला है सर, बाकी तो ऊपर वाले का आगे और भी फायदा मिलेगा पक्का सर, पक्का विश्वास है सर हमें, अच्छे से कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं वैसे ही करिए ठीक है। स्टॉप किडनी डायलिसिस। So friends, if you still have any doubts, any queries regarding kidney failure and its treatment, please comment on the box below the video and please share your feedback. Do not forget to like and share this video and subscribe to the YouTube channel Karma Ayurveda. अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 09871712050 011-4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।